बात इतनी काफी नहीं, नेकियां कैसी थी ये भी सुने आगे। कानू कलीलम मिनल्लैल मा यहजाउन, ये रातों को कम ही सोते थे। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सोने के बाद दोबारा सहरी के वक्त फिर उठ जाते थे, फिर उठ के फिर इस्तिग़फ़ार करते थे, मौला तेरी इबादत का जो हक है वो हम अदा नहीं कर सके, मौला हमें माफ कर देना। यानी इबादत करने के बावजूद पाजामे से बाहर नहीं हुए, जामे से बाहर, ये नहीं दो रकात नमाज पढ़ के बाकी सबको गुमराह समझ लिया ना। सोने से पहले भी इबादत, और सोने के बाद आखिरी पहर में जो बरकतों का वक्त होता है, जहां अल्लाह आसमान दुनिया पे आके निदा देता है कोई है, अल्लाहु अकबर। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, इनको अल्लाह से इनाम इसलिए मिल रहा है, सोने से पहले भी इबादत, सोने के बाद आखिरी पहर में उठने से फिर इबादत। या अल्लाह तेरी इबादत का हक ही अदा नहीं हो सका, अल्लाह ये मुझे और आपको नसीब फरमाया। लेकिन आज के इस मीडिया के दौर ने बेड़ा गर्क कर दिया है, मेरे समेत हर बंदा बिस्तर पे सोने से पहले जाके मीडिया उठा के देखता है, टक 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 टक, तो उसने फिर उठना क्या है, खाक उठना था हजत को, समझ आई बात की। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। सिर्फ इबादत नहीं, पड़ोसी भूखा मर रहा है, बाप इबादत करते रहे, समझाइए, यतीम बच्चे की कफालत का कोई जिम्मेदार नहीं है, और आपका अपना भतीजा है, बांजा है, पोता है, नवासा है, दूर का करीब का कोई रिश्तेदार है, या आप वैसे ही जानते हैं फुलां यतीम है, बस आप इबादतें करते रहे, उसका ख्याल ना करें, नहीं। ये तो मुआशरा ऐसा है, यहां जवान लड़की बेवा हो जाती है तो गलत नजरें सबसे पहले उस पर पड़ती हैं, जवान लड़की मुतल्लका होकर घर पहुंच जाती है सबसे पहले गलत नजरें उस पर पड़ती हैं। का वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, और अल्लाह से इनाम इनून ये क्यों वसूल कर रहे हैं, का इनके मालों में दुनिया के अंदर मांगने वालों का भी हक था, जो शर्म के मारे मांग ना सके उनका भी हक था। जकात नहीं, जकात के हवाला की अलावा की बात हो रही है, ये अल्लाह का बड़ा अजीब निजाम है। अल्लाह ने तो एक जकात नमाज की तरह फर्ज कर दी, इनकार करने वाला काफिर है, ठीक, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी चीज भी रख दी है जो फर्ज नहीं की, जरफ पे रख दी, बंदे के जरफ पे रख दी है, माल दे दिया, कहा बंदा अब तू खुद तलाश कर मुस्तहिक कौन है। बंदा दो रकात दो पैसे जकात के निकालने के बाद बड़ा मुतमईन हो जाता है, बस जो हक था मैंने अदा कर दिया ना, उसके बावजूद भी आप देखें अपने जरफ के मुताबिक, कल अल्लाह ने इसी जरफ को देखना है, अल्लाह ने इसी जरफ को देखना है। साइली वो जो मजबूर होकर आपसे मांगने पे उतर आता है, वल महरूम जो बेचारा मांग ही नहीं सकता, ना मांगने की वजह से महरूम रहता है, आप उसकी मजबूरी को समझ ही नहीं सकते। वल महरूम जो बेचारा रोजी नहीं कमा सका, बेरोजगार रहा। अल महरूम वो शख्स जो बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब वो कमाने से माजूर रहा। अल महरूम वो जिसने कारोबार किया लेकिन उसका कारोबार तबाह हो बर्बाद हो गया। अल महरूम वो जिसने कारोबार किया, फ्रॉड हो गया, बिल्कुल निहत्ता हो गया, ये सब महरूम के अंदर दाखिल है। अल्लाह कहता तलाश करो इन लोगों को, एक तो मांगने वाला है, एक मांगने वाले नहीं है, वो शर्मा शर्मी आपसे मांगते ही नहीं, उनको तलाश करो जाके। वल महरूम, हम यहां मांगने वाले को भी ऐसे करके देते हैं, मुंह बना के देते हैं या झिड़क देते हैं। पेशेवरों को भी झिड़का ना मत करें, नहीं देना ना दें, पेशेवरों को झिड़के मत। वो अम्मस्सा इला फला तनहर, यहां कोई कैद नहीं लगाई, अल्लाह के नबी को कहा गया मांगने वाले को झिड़कना नहीं, ये नहीं कहा पेशेवर को झिड़कना, गैर पेशेवर को झिड़कना नहीं, कहा नहीं, जो भी हो मांगने वाला कसे बाशत, झिड़की नहीं देनी उसको। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह ने जरफ पे रख दिया, अल्लाह का दीन इसकी मदद करनी है, अल्लाह के दीन की मदद जान के जरिए भी, माल के जरिए भी है। और अल्लाह ताला ने ये मुख्तलिफ तबीयतें बनाई हैं, कोई जान देता है, कोई माल देता है, कोई दोनों देता है। आप हमारे सरहदी इलाकों में चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, ये जान बहुत जल्दी देते हैं, माल इनके जेब से नहीं निकलता। आप पंजाब की तरफ आ जाएं, ये कुछ ना कुछ फिर भी माल दे देते हैं, जान ये बिल्कुल नहीं देते, अल्लाह का शुक्र है ये जान नहीं देते, सिर्फ मौली साहब को आगे कर देते हैं, तू ही जा, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, तू लड़, समझ आए, तेरा परवरदिगार लड़, जो बोले
वो क्या है आगे, हाँ वही कहता है मिंबर पर तू नहीं बात की थी, चल आगे हो जा। समझ आई बात? कराची वाले बेचारे माल देते हैं, कराची वाले इसलिए दावत और तबलीग में सबसे तेज हैं, माल देते हैं। अल्लाह ऐसे खुशकिस्मत भी माल भी देते हैं, जान भी देते हैं। हमारा तबका जान नहीं देता, माल नहीं देता। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के साथी भी सुनते होंगे तकरीर, मेरे पठान भाई भी सुनते होंगे, ये जान देते हैं माल नहीं देते हैं। माल इनकी जेब से नहीं निकलता, निकलता भी तो बहुत कम निकलता है। एक्सेप्शनल केस अलावा, मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, रूटीन के रवैये की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्से बनाए, किसी के लिए जान देना आसान, किसी के लिए माल देना आसान। यहाँ जरा बीमार हो जाता अल्लाह सदका, बंदा सदका देने पर आता है, हमारे लोगों की जेब से सदका ही नहीं निकलता। ये अल्लाह ताला ने अजीब निजाम बनाया अपना, यही बात। और हाँ, हमारे यहां ये कि मिंबर पे खड़े होकर कोई बात करे, खुदा की कसम सगे भाइयों से बढ़कर उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं, मौली साहब आपका पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा, कोई आपको हाथ लगा के तो देखे। ये खसूसियत जो हमारे यहां है पूरी कायनात में नहीं है, ये वो खसूसियत है जो इस खित्ते में नहीं है। इस खित्ते में सिराय की बैट में कुछ है, अभी यहां नहीं आई। अभी यहां तो बंदा अपने बच्चे को पढ़ा पढ़ा के कलरक बना देगा, आलिम नहीं बनाएगा, खाए खाएगा कहां से? इसलिए यहां तब्दीली भी जल्दी नहीं आती है। तब्दीली तब आएगी जब आपके घरों से अल्लाह के नबी के वारिस निकलेंगे और अल्लाह के लिए काम करेंगे। किसने कहा आप अपने बच्चे को आलिम बना के जाके मौलवी इमाम और मस्जिद बनाया और मौजिन बनाया? किसने कहा आपको? ना बनाए भाई, बनाए आलिम, बिठाए उसको तिजारत के ऊपर, आधा काम आधा वक्त तिजारत पे दे, आधा वक्त दीन को दे, अपनी बैठक खोले, दीन बयान करे, दरस दे, हदीस बयान करे। वो किसी की तनख्वाह भी मोहताज कभी मोहताज नहीं, वो तो ज्यादा अच्छा दीन बयान कर सकता है, वो तो किसी की मिंबर का भी मोहताज नहीं। हां, इस मिंबर की बरकतें कुछ और हैं, ये अल्लाह के रसूल का मिंबर है, ये सरकार है दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। यहां हम बात करना भी ना चाहें तो बैठने के बाद करंट खुद ही लगता है। ला इलाहा इल्लल्लाह।